रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ ये वीकली रिपोर्ट शेयर कर देता हूँ और हर परदेशी भाई को मैं बोलता हूँ, यार आप इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें। मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, हम अलवज में काम कर रहे थे। अलवज कुछ भाई अगर अलवज में रह चुके हैं या अलवज से गुजर चुके हैं, यानी कि आप मदीना शरीफ से अगर तबुक की तरफ जाएँ, बहुत कम भाइयों का इस तरफ गुजर होता है, क्योंकि भाई ये एक अलग ही चीज़ है, अलग ही एरिया है। तो आप मदीना शरीफ से अगर तबुक की तरफ जाएं तो रास्ते में आपको पता है यम्बो, यम्बो के बाद अमलज, अमलज के बाद अलवज, अलवज के बाद दुब्बा, दुब्बा से फिर चढ़ाई शुरू हो जाती है तबुक की। और मैं तकरीबन तबुक में 6 माह, अलवज में 6 माह, अमलज, इन शहरों में रह चुके हैं। तो बहरहाल जी, अलवज में हम काम कर रहे थे और 5वां महीना था, और हुकूमत की तरफ से जैसे कि आपको पता है 5वें महीने से काम स्टार्ट हो जाता है, 9वें महीने तक 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रेस्ट। हमने 12 से 3 रेस्ट थी, और हमारा जो फोरमैन था वो बोल रहा था जी कि 12 बजकर 15 मिनट हो गए या 12:30, करो करो ये कंक्रीट की गाड़ी है, ये डालो डालो बाद में कुछ और। अभी ठीक है, मैं तो नहीं था वहाँ पर, मैं तो एक अलग जगह पर था। तो वहाँ पर भाई आ गए फिर आपको पता है वो मुबैस वाले, उन्होंने बुला लिया सबको, इधर आओ भाई मकतबे अमल। उन्होंने बोला ये आ जाओ, सबके इकामे ले लिए, और इकामे लेकर वो चला गया। ग्रामा करूंगा मैं किसके ऊपर भाई, कंपनी के ऊपर, क्रामों इकामों के ऊपर नहीं। ये बात क्यों कर रहा था, देखें ऐसी चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगर आपको एक चीज़ से रोका जा रहा है तो उससे रुक जाए भाई। और सऊदी अरेबिया में अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपके ऊपर ग्रामा हो जाएगा किसी भी चीज़ के। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में अगर बोला गया मोबाइल मत यूज़ करें, आप यूज़ करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए तो आपके ऊपर 500 रुपये का फाइन डेफिनेटली बात आ जाएगा। सिफारिश वगैरह नहीं चलेगी, वो 500 रुपये पे करना पड़ेगा, नहीं पे करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। तो ये न्यूज़ ऐसी है, मैं तमाम परदेसी भाइयों के लिए इसको अहम इसलिए समझता हूँ कि देखिए अगर आपके इकामे एक्सपायर हैं, हरूब है, बदून कफील काम कर रहे हैं, जैसे कि साए खास अमल मंजिली वगैरह वाले भाई, कफील के साथ अग्रीमेंट करके फर्दी मुसस्से वाले भाई, या कंपनी से भागे हुए बाहर काम किए जा रहे हैं जी, तो उनके साथ फिर वीकली जो रिपोर्ट शेयर होती है भाई, कौन से पकड़ेगा, क्या मामला हैं, मैं मुख्तलिफ वीडियो इसके मतलब बना चुका हूँ। हरूब है भाई, आप क्या करें, इकामे एक्सपायर है, क्या करें, अगर कंपनी कफील मुसस्सा आपकी सैलरी वगैरह इकामा नहीं लगा रहा है तो फिर क्या करें। मैं बोलता हूं कि मैंने महकमा तंजीफ जद्दा से बहुत सी वीडियो लाइव शेयर की हुई है, सफारा जवाजात महकमा तंजीफ, यार यहां पर इस मसले का ये हल है भाई, यहां पर इस मसले का ये हल है, आप ये करें। मेरे इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है पुरानी, आप जाकर सभी देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से भाइयों ने देखी, फ़ायदा भी उठाया और मुझे अभी कमेंट करके बताते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जिस किसी भाई को फ़ायदा हो जाता है वो चलो उसकी मेहरबानी, अगर बता देता है शुक्रिया अदा करता है और क्या है। बाकी भाई देखे, हर इंसान की अपनी किस्मत है, जो भी उसके साथ होना है वो तो अल्लाह ताला की ज़ाती जानती है। आइडियाज़ होते हैं कि भाई इस मसले का ये हल है। तो अभी जो मैं हाईलाइट करूँगा सबसे पहले चीज़ को, वो क्या भाई, वो है तरहील। इसके ऊपर आप देख रहे हैं 9777, यानी कि 10,000 ही बोल रहे हैं यार आप, 10,000 के करीब ही बोल रहे हैं आप। 10,000 के करीब बंदे वो पकड़े गए हैं जिनके भाई इकामे एक्सपायर थे, हरूब थे, बदून कफील थे, कंपनी से भागकर काम कर रहे थे। इंटरेस्टिंग चीज़ है, कल एक भाई मुझसे रब्ता कर रहा था, इकामा अब पासपोर्ट के 90 दिन भाई अभी पड़े हुए हैं, फिर भी शूटर ने डीपोर्ट कर दिया। अब भाई ये तो मामला आता है। तो भाई ये वो तमाम बंदे इसमें आते हैं जो डीपोर्ट हुए पिछले 7 दिनों में, 10,000 के करीब बंदा डीपोर्ट हुआ है। तो अभी इनमें है कौन कौन से, पूरी आपके सामने तफसील आपको दिखा रहा हूं मैं। इसमें देख लें जी, बयान अल सही ठीक है लिखा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं नीचे टोटल की तादाद अगर बात करें तो 16,250 बंदे हैं जी। इनमें मुखालफा निज़ाम अल इकामा जिनके इकामे वगैरह एक्सपायर है, उनकी अगर तादाद का मुतलक पूछे देखें तो वो है जी 9,343 बंदे, या 9,93,94 बंदा तो भाई इकामा एक्सपायर वाला पकड़ा गया है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें सऊदी अरेबिया में कितने बंदों के इकामे एक्सपायर हैं भाई। उसके आगे है जी मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, और इनकी तादाद है जी 4,555। गैर कानूनी तरीके से इंटर होते या निकलते हुए जो बंदे गिरफ्तार होते हैं। उसके आगे है जी मुखालफा निज़ाम अल अमल, यानी के बदून कफील, साए खास आमर मंजरी, फर्दी मुसस्से में भाई महना फर्दी मुसस्से का महना है, फर्दी मुसस्से में नकल खफाला लिया हुआ है, बाहर काम किए जा रहा हूँ, या कंपनी सैलरी नहीं दे रहा था, कंपनी सैलरी नहीं दे रही थी, मैं भाग गया हूँ और अभी बाहर काम कर रहा हूँ। तो उस दौरान में अगर आप पकड़े जाते हैं, साए खास वाला बंदा बाहर पकड़ा जाए तो छूटता उसी टाइम उठाता है उसको, तो उनकी तादाद है जी 2,352, यानी कि 2,400 के करीब तकरीबन ये भी बंदे गिरफ्तार हुए हैं। देखिए मैं लास्ट में ये आपको बता दूंगा, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो भाई अपना इकामा किसी नई जगह के ऊपर नकल कफाला ले जाएं, लीगल हो जाएं, बेस्ट है। कंपनी मुसस्सा सैलरी दे रही है तो महकमा तंजीफ जाएं, मकतबे अमल जाएं, उनके ऊपर केस ठोकें, फिर बाहर आप काम करते रहें, नो टेंशन।